मैनुअल वैल्यू काउंटर लूज नोट काउंटिंग मशीन मॉडल LR5200 जो कि ब्रांड है लीरियन इंटरनेशनल का। आप मशीन देख सकते हो, बहुत ही प्यारा कलर होगा, गोल्ड रोज में कलर में आएगा आपका। ये मशीन का डिस्प्ले होगा, काफी बिग स्क्रीन मिल जाती है आपको यहाँ पर। ये कीज होंगे, ये एडिशनल की होंगे। जब भी फेक नोट आता है तो आपको यहाँ पे ब्लिंकिंग का इंडिकेशन मिल जाएगा। ये कस्टमर डिस्प्ले होगा आपका। मशीन का डेमो कर लेते हैं। बैक साइड से मशीन को ऑन करेंगे। मशीन ऑन हो चुकी है, मशीन रेडी हो रही है यूज के लिए। मशीन रेडी हो चुकी है। इसमें हम अब 10 to 2000 के सभी अपग्रेड नोट्स को डाल लेंगे। काफी स्मूथ काउंटिंग कर रही है मशीन। यहाँ के कंप्लीट 100 नोट्स आ चुके हैं स्ट्राइकर में। इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं, यूवी का फंक्शन मिलेगा, एमजी का फंक्शन मिलेगा, आईआर का फंक्शन मिलेगा जो कि फेक नोट डिटेक्शन के लिए आपका होगा, डीडी का फंक्शन मिलेगा, करेंसी का फंक्शन मिलेगा जिसमें आप अदर करेंसी को भी यूज कर सकते हो, यूएसडी को चेक कर सकते हो, यूरो को चेक कर सकते हो, इंडियन करेंसी को चेक कर सकते हो। बैच का फंक्शन मिलेगा जहां पे आप बैच सेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट 100 का बैच आता है, अभी आप यहां पे मैंने 50 का बैच सेट कर दिया है। इसके बाद मैं करेंसी को ऊपर में डाल के चेक कर लेता हूं। यहां पे हमें 50 का कंप्लीट बैच मिल चुका है। नेक्स्ट बैच आपका 50 का, ये भी कंप्लीट 50 का बैच आ चुका है। इसके बाद हम बैच को बैक टू बैक क्लोज कर लेंगे। इसके बाद ऐड का फंक्शन होगा जिसमें हम कंटिन्यू काउंटिंग करते हैं। फिर मैनुअल का फंक्शन होगा, इसमें हम मैनुअल पे सेट करने के बाद करेंसी को यहाँ पे होल्ड करने के बाद यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तब यहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट होती है। मैनुअल से ही हम दोबारा यहाँ पे ऑटो के मोड पे जा सकते हैं। फिर यहाँ वैल्यू सेटिंग आती है। वैल्यू मैंने 2000 की सेट कर रखी है। 2000 के वैल्यू के साथ मैंने ऐड का फंक्शन ऑन किया हुआ है जिससे यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसको ऐड करता जाएगा। ये आपका मैंने थ्री पीसेज डाला 2000 के, ये आपकी वैल्यू को शो कर रहा है। फिर मैंने वैल्यू 500 की कर दी है, 500 के नोट्स इसमें डाल दिए हैं। ये आपके कंप्लीट नोट्स और ये आपके कंप्लीट फिगर को इंडिकेट कर रहा है। फिर मैंने वैल्यू को सेट कर दिया है 200 पे सेट करने के बाद मैंने इस पे 200 के नोट्स डाल दिए हैं। ये आपके 200 के नोट्स कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे 100 का वैल्यू शो कर रहा है। मैंने वैल्यू 100 शो करने के बाद यहाँ पे 100 की करेंसी डाल दी है। 100 के बाद मैंने यहाँ पे 50 की करेंसी को शो कर रहा है, 50 की करेंसी डाल देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू की सेटिंग 20 पे कर लेते हैं। 20 की वैल्यू सेट करने पे हम इसमें 20 की करेंसी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप सारा वैल्यू, नंबर ऑफ पीसेज और टोटल अमाउंट को भी शो कर रहा है। इसके बाद हम वैल्यू की सेटिंग 10 पे कर देते हैं और 10 के यहाँ पे नोट्स डाल देते हैं। अभी आप देखेंगे कंप्लीट 100 नोट्स हो गए, टोटल अमाउंट आपका इतना होता है। फिर वैल्यू को आप बैक टू बैक ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टार्ट और वॉइस का कॉम्बिनेशन की मिल जाता है। यहाँ स्टार्ट आप जब मैनुअली सेट करते हो उसके बाद स्टार्ट को प्रेस करना होता है। वॉइस का की जो होता है, यहाँ से आप लॉन्ग प्रेस करते हैं वॉइस की ऑफ हो जाती है, और दोबारा आपको वॉइस चाहिए होता है तो वॉइस की को आप लॉन्ग प्रेस करते हैं, यहाँ पे वॉइस आ जाती है। ओके, और मशीन को शट डाउन करने के लिए बैक टू बैक पीछे से पावर ऑफ कर देते हैं।